अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमरीन्स कलरफुल लाइफ। तो जनाब ये देखें कितना ढेर लगा हुआ है अबायास का। ये है जी मेरी सिस्टर की अबायास कलेक्शन, जो कि मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें जी, अब हम वन बाय वन मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह के अबायास इन्होंने जो है लिए हुए हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। तो जनाब ये फर्स्ट जो अबाया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पिंक पर्पल सा शेड है और ये ऑल ओवर प्रिंट है। और ये देखें आप, इसको मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। यहाँ पे इसके गले पे और गले से लेकर नीचे बिल्कुल दामन तक सारा काम हुआ हुआ है और इसके बाजुओं पे भी इस तरह का बॉर्डर लगा हुआ है। तो ये है जी इसकी ओवरऑल लुक। ये बहुत डिसेंट लगता है पहना हुआ और ये कलर भी बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा ये देखें आप लोग, इसके साथ जो है ये स्कार्फ है जो कि इसके साथ ही होता है। ओहो ये नीचे गिर गया, चलें खैर कोई नहीं। ये देखें यहाँ पे ये पूरा बॉर्डर है इसके एक साइड पे और इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है और इसका स्टफ भी अच्छा है कि ये सर पे रह भी जाता है और सी थ्रू भी नहीं है ये बिल्कुल। नेक्स्ट जो है ये देखें हमारे पास अब आया है, ये ग्रीन कलर में है और इसके सिर्फ गले के ऊपर ही ज़्यादा काम हुआ है और नीचे से ये सिंपल है जी। तो ये भी बहुत प्यारी इसकी लुक आती है और इसके जो बाजू हैं वो देखें आप, स्टार्ट से लेकर नीचे तक यहाँ पे एक डोरी सी लगी हुई है, पाइपिंग आई गेस इसको कह सकते हैं। और साथ में इसका पूरा बॉर्डर लगा हुआ है बाजू पे भी और ये जो है इसका दामन इतना चौड़ाई में है। ये भी बहुत मज़ेदार और इसके साथ मोस्टली कुछ के साथ जो है वो ब्लैक स्कार्फ होता है, इसके साथ कम्बिनेशन ब्लैक स्कार्फ का था। तो यहाँ पे इसके भी साइड पे जो है वो बॉर्डर लगा हुआ है। थर्ड जी जो आपको दिख रहा है ये है जी डार्क ब्राउन कलर का, अभी शायद आई गेस ये ब्लैक या ग्रे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे ये फुल नीचे तक इसका काम हुआ हुआ है और ये मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। और ये देखें इसके बॉर्डर भी यहाँ पे, ये पहनने में बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत प्यारी लुक आती है। ये देखें जी, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अबाया की जानेब जो कि ब्लैक कलर में है और ब्लैक तो सबका ही फेवरेट होता है। तो ये देखें इसके भी दरमियान पे जो है वो काम हुआ हुआ है और नीचे से ये इस तरह का सिंपल है। और मोस्टली इस तरह के जो अबायास होते हैं उनके बाजुओं पे और गले पे काम हुआ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक और यहाँ पे बाजुओं पे भी सारी साइड पे बॉर्डर लगे हुए हैं और ये बहुत प्यारा लगता है। आप लोगों में से कौन अबायास पहनता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट जो है ये फैंसी लुक के लिए होता है ये अबाया और थोड़ी सी फैंसी लुक ये दे देता है। ये बहुत खूबसूरत लग रहा था, ये भी डार्क ब्राउन शेड है इसका भी और ये मैं आपको दिखा रही थी कि पेंटेक्स डली हुई है और उसके ऊपर ये सारी जो है वो मोती जो है वो लगे हुए हैं, इसको क्या कहते हैं मुकेश कह सकते हैं। और ये इसके बाजुओं का डिज़ाइन और इसकी भी ओवरऑल लुक बहुत प्यारी आती है और इसका जो दामन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, खुला है, मतलब घेर इसका ज़्यादा है। और ये भी पहनना हुआ बहुत डिसेंट और इसकी एक एलिगेंट लुक आती है। और ये इसके साथ जो है, अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसका जो स्कार्फ है वो सिंपल था ब्राउन ही कलर में और इसके साथ जो आपको लेस नज़र आ रही है चारों साइड्स पे खुद लगाई है ताकि ये थोड़ी फैंसी लुक इसकी आ जाए। तो ये इसके साथ ही बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ गई थी जब इसकी जो है वो लेस लगाई गई थी, तो ये बहुत प्यारी लुक दे रहा था। ये देखें हर साइड पर जो है हमने लगा दी थी। ये है जी ओवरऑल लुक। नेक्स्ट से जो अबाया आपको नज़र आ रहा है ये भी बहुत खूबसूरत है और ये बटरफ्लाई स्टाइल है। और ये देखें इसके गले पे भी और नीचे भी सारा काम हुआ हुआ है और ये बाजुओं पे भी सारे बीड्स लगे हुए हैं इसके। मैं आपको नीचे से इसको ओपन करके दिखाती हूँ कि ये काफ़ी खुला है। ये देखें जी यहाँ पर, तो ये बिल्कुल पहन के हम बटरफ्लाई बन जाते हैं। चलें, ये इसका जो स्कार्फ है ये सिंपल है बिल्कुल और इसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ हुआ, कोई बीड्स नहीं है, कोई काम नहीं हुआ, सिंपल है।
नेक से जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त है और सिल्क टाइप इसका थोड़ा स्टफ़ है, शमो सिल्क आलमोस्ट। और ये जो है इसके ऊपर आप देख सकते हैं कढ़ाई वाला सारा काम हुआ हुआ है। और ये देखें जी, अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत इसके सारा काम हुआ हुआ है। और ये जो आपको बीड्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं, ये बहुत प्यारे और एलिगेंट लुक दे रहे हैं। ये भी खुद लगाए गए हैं और इसकी ज़रा लुक जो है वो मज़ीद इन्हेंस हो गई इससे। ये देखें ये बाजू, बाजू में भी फुल कढ़ाई है, बैक साइड पे नहीं है, बैक साइड प्लेन है इसकी। और यहाँ पे जो फ्रंट है, फ्रंट के गले पे काम था और बैक साइड के जो है ना वो नीचे दामन वाली एरिया पे सारा काम था। और ये इसका स्कार्फ है जी, साथ में खुद लिया गया है, वो सिर्फ गाउन था। तो यहाँ पे भी जो आपको लैस नज़र आ रही शीशे वाली, ये भी खुद लगाई गई है। अच्छा जी, नेक्स्ट ये मैरून कलर का ड्रेस, मैरून कलर का सॉरी अब आया है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसका भी ऑलमोस्ट बटरफ्लाई स्टाइल है और ये ओपन है। पहले नीचे इसके एक गाउन है और उसके ऊपर ये एक और है बटरफ्लाई का स्टाइल इसको दिया गया है। तो ये देखें इसके बाजू का डिज़ाइन, ये पहनने में बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखें, ये जो लैस आपको नज़र आ रही है ना, ये भी खुद लगाई गई है और इससे भी ये बहुत इसकी प्यारी लुक आ गई। ये देखें अंदर से एक पूरा गाउन है और उसके ऊपर ये अलग से एक है। ये देखें, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बाय की जानिब, जो कि है ये वाला हमारा पीच कलर में। और इसके भी यहाँ पे दामन पे काम हुआ हुआ है बाउंड्री पे, और ये इसके बाजू, और ये नीचे से देखें आप, मैं आपको दूर से भी दिखाती हूँ तो ये ईजी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखें जी कितना खूबसूरत यहाँ पे लग रहा है ये। और ये ले जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त अबाया हमारे सामने आ चुका है, जो कि है पर्पल कलर में। और इसके गले पे बहुत सारा काम और इसके बाजुओं पे काम हुआ हुआ है और बाकी ये सारा सिंपल है। ये जो नीचे आपको लेस नज़र आ रही है, ये भी खुद लगाई गई है। और ये जो है वो स्टिक से, मतलब गम से भी आप इसको जोड़ सकते हैं, या आप चाहें तो इसको सुई धागे से भी अटैच कर सकते हैं। ये इसका दामन और ये साथ में इसका स्कार्फ है, और ये लेस वही जो आपको बताया था खुद लगाई है, और साथ में ये इसका बॉर्डर ऑलरेडी था, तो ये भी बहुत नाइस लुक देता है। ये फैंसी अबायास में आ सकते हैं, जो आप किसी भी फंक्शन वगैरह में इजीली कैरी कर सकते हैं। उसके बाद ये है जी ब्लू कलर में, नेवी ब्लू कलर है और इसके ऊपर ब्लैक कलर का काम हुआ हुआ है, और ये भी बटरफ्लाई स्टाइल ही है। मैं आप लोगों को करीब से दिखाती हूँ, ये देखें ये बहुत खूबसूरत यहाँ पर लगता है। और ये इसके बाजुओं पर भी कंधे से लेकर और नीचे बाजुओं तक फुल काम है, और बॉर्डर भी इसका बना हुआ है। और ये आप देख सकते हैं कि नीचे से भी कितना खुला है ये, और इसमें बहुत कंफर्टेबल होता है, इसको कैरी करना में बहुत इजी होता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता और बहुत अच्छा लगता है ये पहने हुए। ये थी मेरी आज की वीडियो, बस इतना ही था। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए एक नई चीज़ लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।